दर्शक बंधु राति 10:00 दस टी बड़ खबर मुझे रखापी चाहिए कोरोना उपनिर्वाचन को स्थगित कोरोना जो उपनिर्वाचन स्थगित रही पिपिलीर उपनिर्वाचन को स्थगित रखिंट इलेक्शन कमिशन कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी निर्वाचन कमिशन उपनिर्वाचन को स्थगित रखापी निष्पत्ति राज्य निर्वाचन अधिकारी रिपोर्ट आधार में यह निष्पत्ति कमिशन मे 19 तारीख में पिपिली उपनिर्वाचन होवार थिला एबे भोट नहीं पर विज्ञप्ति प्रकाश पाइब अजित मंगराज परलोक परे कांग्रेस प्रार्थी थिले श्रीयुक्त मंगराज तांकर परलोक परे एठारे सानी उपनिर्वाचन करिबा पाई निर्वाचन कमिशन घोषणा करिथिले कांग्रेस पक्षरु विश्वकेशन हरिचंदन महापात्र को एठी प्रार्थी घोषणा करा जाइथिला। दर्शक बंधु देश में टीकादान तृतीय पर्याय आरंभ होता बेले कौनसी भी राज्य में यह शत प्रतिशत कार्यकारी हो पारिना टीकार अभाव यह पछर एक प्रमुख कारण साजिश सेरम इंस्टीट्यूट्र सीओ जातीय गणमाध्यम को देखा साक्षात्कार यह पछर वास्तवता को सामना को आनी आदार पुनावाला कहते देश में राजनेता एवं समीक्षक टीकार अभाव सेरम को दायी करुंट सरकार ही टीकार नीति निर्धारण करते अर्थात देश में वैक्सीन जो उत्कट अभाव देखाई से केन्द्र आड़ परोक्षर अंगुली उठाई पुनावाला आदार पुनावाला साक्षात्कार नहीं आ रिपोर्ट परे केंद्र सरकार स्पष्टीकरण रखिंट वैक्सीन महजूद रखापी केंद्र सरकार कौन नुआ अर्डर दे नहीं गणमाध्यम जो रिपोर्ट प्रकाश पाई सत्य उपरे आधारित नुहे सेपटे जातीय गणमाध्यम जो साक्षात्कार नहीं बद देखाई से नहीं स्पष्टीकरण रखिंट आदार पुनावाला से कहते मत को भिन्न ढंग से उपस्थापन करताराति केबे मध्य वैक्सीन उत्पादन को बढ़ा जाई पारिब नाही भारतर जनसंख्या को लक्ष्य रखी एवं पर्याप्त टीका उत्पादन करी महजूद रखा एत सहज कथा नुहे आसंता 5 तारीख रु सारा राज्य में लागू हेब लॉकडाउन संक्रमण चेन ब्रेक करने उद्देश्य सरकार यही निष्पत्ति लॉकडाउन पूर्वरु राजधानी विभिन्न मद दुकान आउ बाजार रे होइतिबा भिड़ को देखिले लगुची कोरोना को नहीं बिल्कुल सतर्क नुहंती साधारण लोक लॉकडाउन बेले सका 6 दिन 12 जाए जरूरी सामग्री दुकान खोला रहिबो से नहीं सरकार पूर्वरु घोषणा करथिले भी अत्यावश्यक सामग्री घरे महजूद रखापी बाजार को बाहरी आसुचंती लोके बाजार रे आज लोकंकर प्रबल भिड़ देखापी मिली एपरिकी भुवनेश्वर विभिन्न मद दुकान रे लंबा लाइन देखापी मिली केमिति दिजा मैट्रिक परीक्षार्थी को मार्क परीक्षा बातिल हेबार 13 दिन परे परीक्षार्थी दशमर अभ्यास एवं नवमर परीक्षा फल दाखल करने को स्कूल गुड़ी बोर्ड पक्षर निर्देश दिया दि सीबीएसई दशम बोर्ड नियमावली प्रकाश पाइबा माध्यमिक शिक्षा परिषद तत्परता प्रकाश कर छात्र छात्री अभ्यास परीक्षा नवम श्रेणीर षाणमासिक आउ वार्षिक परीक्षार नंबर दाखल करने को स्कूल गुड़ी बोर्ड निर्देश दे जिला शिक्षा अधिकारी बा बोर्ड द्वारा चिन्हट स्कूल रे याकु दाखल करिवे स्कूल कर्तृपक्ष अम्लजान अभाव पुणी चलीगला कोरोना आक्रांत जीवन डाक्तरखाना अम्लजान पहुंचबारे विलंब होवारु 24 जन कोरोना रोगी मृत्यु होइतबार जनापड़ी रविवार विलंबित रातिर एभली संवेदनशील घटना घटी कर्णाटक रामराजनगर में महीशूर सहर रु रामराजनगर में 250 टी सिलिंडर पहुंचबारे विलंब होगा जो अघटन घटी 24 जन रोगी मृत्यु पर डाक्तरखाना पहुंची ऑक्सीजन सिलिंडर प्राण हर अधिकांश रोगी वेंटिलेटर रे थिले। दर्शक बंधु कोरोनार सामान्य लक्षण प्रकाश पाइले सीटी स्कैन करंतु नाही केवल डाक्तर परामर्श क्रमे सीटी स्कैन करवा उचित सामान्य लक्षण रे सीटी स्कैन करने द्वारा आपण शरीर बड़ धरणर क्षतिर सम्मुखीन हो पारे बोली सतर्क कराई एम्स रा निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आसंता 5 तारीख रे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबे नंदीग्राम रु हारी जाइथिले मध्य मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबा पई जाउछंती ममता
ଆଜି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମମତା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ନିରାଡମ୍ବରରେ ହେବ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ। 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର କ୍ୟାଡର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଥିଲେ ଅଭୟକାନ୍ତ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସବୁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ କରୋନା କାଳ, ପୁଣି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଖେଳାଳି, ଅଧାରୁ ଅଟକିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥାନ୍ତା ଆଇପିଏଲ୍ର ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍। କ୍ୟାରିୟରର ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ୱାରିୟର ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବାର ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବରୁଣ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଏବେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।